हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, बहुत ही सिंपल तरीके से पर बहुत ही टेस्टी। उसमें कुछ यूनिक सा डालूँगी मैं, सो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लौकी को छील लेते हैं। अब मैंने लौकी को छील लिया है, अब इसे चलिए काट लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस में इसे काट लेते हैं। ये हमारा कद्दू कट कर रेडी हो गया, इसे इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। चलिए अब हम एक कढ़ाई लेते हैं, उसे अब गर्म करते हैं हाई फ्लेम पे। उसके बाद का आगे का प्रोसेस मैं बताती हूँ। ये हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें हम कुकिंग ऑयल डालते हैं। जो सभी आप कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं वो आप डाल सकते हैं इसमें, उसी से बनाएं। ये हमारा ऑयल अब गर्म हो चुका है, इसमें अब हम 5 फोरन डालेंगे 1 चम्मच। यहाँ पर मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ ले लिया, जैसे मैंने काट लिया ग्रीन मिर्च और रेड चिली और कुछ कटे हुए बारीक प्याज, इसे भी हम इस फोरन में डाल ऐसे फ्राई कर लेंगे। जब तक ये फ्राई होता है तब तक मैं कद्दू जो मैंने काटा है उसे धो लेती हूँ। ये हमारा प्याज लाइट पिंक हो चुका है। अब हम यहाँ ये कद्दू जिसे मैंने धो लिया है अब इसे डालते हैं। इसे मिला लेते हैं। अब यहाँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच फिर थोड़ा सा 1/2 चम्मच नमक, क्योंकि ये कद्दू गल के कम हो जाता है, इसीलिए हम इस सब्ज़ी के हिसाब से नमक नहीं डाल सकते। अगर आपको नमक का अंदाज़ा नहीं है तो कद्दू के गल जाने के बाद आप उसमें नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इसे ढक कर 10 मिनट के लिए पकने देते हैं। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, ये अभी पूरी तरह से गला नहीं है, तो इसे पूरी तरह से गलने तक पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट और हो गए हैं, कद्दू काफ़ी अच्छे तरीके से गल भी गए हैं। ये देखिए इस तरह से चेक कर ले, ये कट जाए तो मतलब ये पक गया है। ये तो हो गई हमारी सिंपल वाली सब्ज़ी, इसे आप चाहें तो यहाँ निकाल सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा अलग से टेस्ट देने के लिए इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ये मैंने भुना हुआ जीरा ऐड किया है इसमें 1 चम्मच, और भुना हुआ धनिया 1/2 चम्मच, और इसे मिला लें अच्छी तरीके से। और गैस को बंद कर दें। ये कद्दू का सब्जी बनकर तैयार हो गया, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये हमारा कद्दू का सब्जी बनकर रेडी हो गया है, अब इसे आप चाहे तो रोटी के साथ या पराठे के साथ खा सकते हैं। इसे खाइए और एंजॉय कीजिए, बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि ये कैसा लगा।
अब मैं अगले बार आपको कुछ और अलग टाइप से कद्दू की सब्ज़ी बनाने की विधि बताऊंगी। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज़ 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 जितना हो सके शेयर करो। थैंक यू सो मच एवरीवन।